नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज जारी होगा नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट। बीएसएससी पेपर कैंसिल को लेकर ट्विटर पर महाअभियान। 30 दिसंबर से बिहार में भी वंदे भारत का होगा परिचालन। अगर पुलिस का लोगो लगाकर बनाया है सोशल अकाउंट तो हो जाए सावधान। अब प्रवासी मतदाता देश में कहीं से कर सकेंगे मतदान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वॉपकॉस लिमिटेड ने 239 रिक्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन जारी किया। वॉपकॉस लिमिटेड ने फील्ड सुपरवाइजर के कुल मिलाकर 239 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा पास होने के साथ ही 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 3 जनवरी और 4 जनवरी 2023 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.wopcos.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज जारी होगा नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट आज शाम तक जारी किया जाएगा। बता दें कि 23 जिलों के 17 नगर निगम सहित 68 निकायों का परिणाम सभी के सामने आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के लिए मैदान में 23 जिलों के कुल 11,884 प्रत्याशी थे, जिनके भाग्य का फैसला आज के रिजल्ट पर निर्भर करता है। चुनाव के परिणाम को देखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। मालूम हो कि दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला था। वहीं गया जिले के डोभी और फतेहपुर नगर पंचायत में वोटिंग की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चली थी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। उनका सौभ्य, स्निग्ध, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दर्पोदीप्त शख्सियत बिहार के जनगण मन पर अधिकार किए हुए था। वे देश के स्वाधीनता संग्राम के महान नायकों में एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। बीएसएससी पेपर कैंसिल को लेकर ट्विटर पर महाअभियान। बीएसएससी पेपर लीक होने पर 3 पालियों की परीक्षा रद्द करने को लेकर बीते दिन ट्विटर पर महाअभियान छेड़ा गया था, जिसमें इस अभियान से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में ट्वीट किया, जिसका परिणाम यह निकला कि दिन में एक बजते बजते यह टॉप ट्रेंडिंग मसलों की सूची में नंबर 1 पोजीशन पर शामिल हो गया। इस अभियान की शुरुआत करने के लिए बीते दिन सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था। शाम 5 बजे तक करीब 4.5 लाख ट्वीट इस अभियान के तहत हो चुके थे और यह हैशटैग नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे। बता दें कि इस मसले पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। बिहार के इन जिलों में खुलेगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। राज्य में पर्यटन विकास को लेकर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जिला प्रशासन को पानी के खेलों के लिए सेंटर बनाने के लिए उपयुक्त बांध स्थल या चौड़ी नदी के पार्ट या बड़े घाटों को चयनित करे, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा अपने स्तर से 6 जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है, जिसमें कैमूर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और सासाराम शामिल है। राज्य सरकार के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिले में ऐसे क्षेत्र जो हमारे इतिहास, संस्कृति व विरासत की पहचान है, या फिर ऐसे जल क्षेत्र जहां जल खेलों की जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके या पहले से संचालन किया जा रहा हो, वैसे सभी क्षेत्रों की पहचान की जाए ताकि चयनित स्थल का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। बिहार में 25 से अधिक सीटी वैल्यू वाले संक्रमितों की ही होगी जीनोम सिक्वेंसी। कोरोना को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत वैसे मरीज जो कोरोना से संक्रमित हैं और जिनकी सिटी वैल्यू 25 से अधिक है, वैसे ही कोरोना संक्रमितों के नमूने की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि सजगता में ओपीडी में आने वाले संदिग्ध रोगियों की सैंपल को लेकर भी कोविड की जांच कराई जाए और साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाके और हवाई अड्डे पर भी रैंडम जांच चालू की जाए। इसके अलावा सभी अस्पताल, मेडिकल ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट, आरटीपीसीआर, N95 मास्क और दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए।
356वां प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब में सीएम नीतीश कुमार ने टेका माथा। राजधानी पटना स्थित तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती को 356वां प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। बीते दिन प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने अपना मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ विजय चौधरी, अशोक चौधरी, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। बता दें कि एक सप्ताह पहले से प्रकाश पर्व को लेकर रोज प्रभात फेरी निकाली जाती थी, देश विदेश से आए सिख श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिहार में पड़ी कड़ाके की ठंड। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लगातार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड में बेतहाशा वृद्धि हुई है और साथ ही मौसम शुष्क होने के साथ हवाओं की नमी की वजह से भी ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में ठंड में और व्यापक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाश में कई इलाकों में घने कोहरे भी छाए रहने की संभावना है। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि अगले 72 घंटे के बाद लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले 72 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 30 दिसंबर से बिहार में भी वंदे भारत का होगा परिचालन। भारत की पहली सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत अब पूर्वी भारत में भी होने वाली है। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की जाएगी। बता दें कि इससे पहले इस ट्रेन का परिचालन उत्तर पश्चिमी और दक्षिण भारत में होता था, लेकिन अब यह ट्रेन पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। इसके साथ ही इस ट्रेन का परिचालन बिहार के रास्ते भी होना है। बताते चले कि यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो बिहार से होते हुए गुजरेगी। देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। इस ट्रेन की शुरुआत होने से कोलकाता और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी के बीच यात्रा करने में कम समय लगेगा, जिससे यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। आईआईटी पटना के 22 छात्रों को मिला इंटरनेशनल ऑफर। आईआईटी पटना में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में चल रहे पहले चरण के प्लेसमेंट सीजन में बीटेक स्टूडेंट्स के 22 छात्रों को इस वर्ष इंटरनेशनल ऑफर्स प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति के विभिन्न शीर्ष कंपनियों की बात करिए तो ऐसे कंपनी मिलाकर अब तक कुल 281 ऑफर्स छात्रों को दिए जा चुके हैं। इस सत्र में अब तक 20 प्रस्ताव ऐसे हैं जिसकी सैलरी 50 लाख से अधिक है, तो वहीं 50 प्रस्ताव ऐसे हैं जिसके वेतन का पैकेज 40 लाख से अधिक है। इसके साथ ही सबसे अधिक वेतन पैकेज 82 लाख का है। वहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सीजन में 20 से अधिक नई कंपनियों ने पहली बार कैंपस रिक्रूटमेंट में भाग लिया है। अब इस सत्र के फेज 2 के लिए प्लेसमेंट की प्रक्रिया जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। बियाडा के जमीन पर 6 महीने में उत्पादन शुरू नहीं करना पड़ सकता है आप पर भारी। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी तमाम भूमि जहां वर्षों बाद भी किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया गया है, इसी को देखते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि बियाडा के निदेशक परिषद ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत बियाडा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरित भूमि पर अगर 6 महीने के अंदर उत्पादन शुरू नहीं किया जाता है तो वह औद्योगिक भूमि खुद से बियाडा की हो जाएगी और इस पर संबंधित निवेशक कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर सकेगा। इसके लिए हस्तांतरित जमीन करने वाले निवेशक को इस आशय का शपथ पत्र बियाडा को लिखकर देना होगा। अगर कोई इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तक है। अगर पुलिस का लोगो लगाकर बनाया है सोशल अकाउंट तो हो जाए सावधान। सोशल मीडिया पर पुलिस लोगों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह निर्देश लिया गया है कि वे सभी यूजर जो पुलिस का लोगो लगाकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं वे 31 दिसंबर 2022 तक प्रोफाइल से लोगों को हटा लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 जनवरी से पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए दी गई है। एडीजी गंगवार के अनुसार जिन्होंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार पुलिस या पुलिस के लोगों का गलत उपयोग किए हैं वे सभी सतर्क हो जाएं। शराबबंदी को सफल बनाने में होम्योपैथी डॉक्टर होंगे परेशान। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब राज्य में होम्योपैथी से जुड़े डॉक्टरों और दवाखानों पर नकेल कसी जाएगी। दरअसल जहरीली शराब बनाने में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है उसी केमिकल का इस्तेमाल होम्योपैथी दवा बनाने में भी किया जाता है। पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया है कि जहरीली शराब बनाने में जिस केमिकल का इस्तेमाल हुआ है वह होम्योपैथी दवा से जुड़े कारोबारियों से लिया गया है, जिसके बाद मद्य निषेध विभाग के अपर
मुख्य सचिव के पाठक के तरफ से राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि शराबबंदी की समीक्षा बैठक में संबंधित औषधि निरीक्षकों को बुलाकर समीक्षा की जाए। दरभंगा एम्स का डीएमसीएच परिसर से बदला लोकेशन, अब यहां होगा निर्माण। जल्द ही बिहार में दूसरा एम्स का कार्य दरभंगा जिले में आरंभ होने वाला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच की परिसर में न करके अशोक पेपर किल की जमीन पर किया जाएगा। इस बात की जानकारी भोला यादव के द्वारा दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स बनाने की सिफारिश को केंद्र सरकार के द्वारा खारिज करते हुए कहा गया था कि वहां एम्स का निर्माण करना मुश्किल है, इसलिए एम्स के निर्माण के लिए दरभंगा में ही किसी और स्थान का चयन किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले की जानकारी राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा लिखित तौर पर दी गई थी। अप्रवासी मतदाता देश में कहीं से कर सकेंगे मतदान। वैसे लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं और मतदान नहीं दे पाते, वे अब कहीं से भी मतदान दे सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने वैसे मतदाताओं के लिए दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया है। यह एकल बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में दूरस्थ मतदान को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि एक ही बूथ से अलग अलग 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा इस रिमोट ईवीएम के शुरुआती मॉडल को दिखाने के लिए सभी दलों को 17 जनवरी को आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल इससे जुड़ी चुनौतियों और सुझाव को 31 जनवरी 2023 तक लिखित मंतव्य के तौर पर देंगे। फीडबैक के आधार पर ही इस ईवीएम मशीन के क्रियान्वित करने पर निर्णय लिया जाएगा। फर्जी तरीके से विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े मामले पर सीबीआई रेड। सीबीआई की छापेमारी बिहार की राजधानी पटना सहित देश भर में लगभग 91 ठिकानों पर जारी है। दरअसल यह मामला पूरे देश भर में फर्जी तरीके से विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़ा है। आपको बता दें कि जिन छात्रों ने विदेशों से मेडिकल की डिग्री प्राप्त की है, उन छात्रों की जांच में पाया गया है कि कई फर्जी तरीके से बिना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास किए ही डिग्री मिले हैं। मामले की जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। यह मामला में सीबीआई की छापेमारी पटना के अलावे बिहार के कई अन्य जिलों में भी चल रही है। बिहार के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे धुआं कुंड के बारे में। धुआं कुंड सासाराम से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। चारों ओर हरे भरे जीवन के बीच यह एक सुंदर आकर्षण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान जलप्रपात मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रदान करते हैं। इसकी चमक में पानी चमकता है और सुंदरता की चौकाचौंध भरी छटा बिखेरता है। यह देखने में इंद्रधनुष की तरह नजर आती है। ये प्राकृतिक छटा आंखों को सुकून देती है। धुआं कुंड वाटरफॉल से आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ियों की खूबसूरती देखने को मिल सकती है। धुआं कुंड के धारा से बिहार के दो नदियों का जन्म होता है, काव और कुद्रा नदी। इसे धुआं कुंड से जन्म लेती है। गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठने वाले धुंध या धुआं के कारण इस स्थान को धुआं कुंड का नाम दिया गया है। दिव्यांगों के क्रिकेट विश्व कप जीतकर घर लौटे इरफान का हुआ जोरदार स्वागत। दिव्यांग के क्रिकेट T20 विश्व कप में पश्चिम चंपारण के बघा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के लक्ष्मीपुर निवासी इरफान देवान का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने अपने प्रदर्शन से भारत को तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब दिलाया है। वहीं विश्व कप जीतकर घर लौटने पर इरफान का जोरदार स्वागत किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इरफान ने T20 विश्व कप में बीते शनिवार को बेंगलुरु में खेले गए खिताबी मुकाबले में अहम भूमिका निभाते हुए 1 विकेट लिए और साथ ही साथ 25 रन भी बनाए। इरफान पश्चिम चंपारण के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत T20 में शामिल किया गया है। इनकी इस उपलब्धि पर भाजपा नेता ऋतु जायसवाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने लागू किए नियम। 1 जनवरी से जापान, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले यात्रियों को अपना निगेटिव कोविड रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य हो गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। उन्होंने कहा है कि इन देशों से यहां आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर अपनी RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट साझा करनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कोविड जांच की यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर की ही होनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नियम भारत पहुंचने पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के 2% यात्रियों के रैंडम परीक्षण के अतिरिक्त है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तेजस्वी यादव, इन मुद्दों पर होगी चर्चा।
आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात कोलकाता में नमामि गंगे से जुड़े एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। बता दें कि इस कार्यक्रम में उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो इस योजना के सदस्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। वहीं बिहार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पीएमओ के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 12 बजे नौसेना के बेस INS नेताजी सुभाष पहुंचेंगे और वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही DSPM निवास का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12:25 पर राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम ने बीजेपी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी के द्वारा हेलीकॉप्टर और जेट इंजन विमान खरीदने पर उनके ऊपर आरोप लगाने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का अपना हेलीकॉप्टर और जेट विमान होगा तो यह सबके हित में होगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि इसके खिलाफ लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर आरोप था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हवा में जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी खर्च पर नया प्लेन खरीद रहे हैं। इसी का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा नेताओं से पूछ लीजिएगा कि जब वे लोग सरकार में थे तो विमान की खरीद को लेकर क्या बोलते थे। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन का ऐलान, इस भारतीय खिलाड़ी को मिला स्थान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट हुए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए विश्व क्रिकेट से 4 खिलाड़ियों को मनोनीत किया गया है। इन 4 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी भारत का है। अन्य 3 खिलाड़ियों की बात करें तो एक खिलाड़ी जिम्बाब्वे से, एक इंग्लैंड और एक पाकिस्तान से है। भारत के जिस खिलाड़ी को मनोनीत किया गया है उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। इस साल सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे थे। साल 2022 में सूर्या के बल्ले से कुल 68 छक्के निकले। इस मामले में कोई खिलाड़ी सूर्या के आसपास भी नहीं है। मौजूदा समय में ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया। भारत ने 1949 में चीन को मान्यता दी। सुरेश शेख गांगुली ने 2008 में 46वीं राष्ट्रीय ए शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा का 1992 में जन्म हुआ। संसद के लोकसभा सदस्य और संस्कृत के विद्वान, साथ ही आर्य समाज के नेता के रूप में भी प्रसिद्ध प्रकाश वीर शास्त्री का 1923 में जन्म हुआ। प्रथम भारतीय शतरंज मास्टर मैनुअल आरओ का 1935 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वैदिक का 1944 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हनुमप्पा सुदर्शन का 1950 में जन्म हुआ। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का 1971 में निधन। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बरी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का 2009 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे बिजली डिस्कनेक्ट होने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिजली डिस्कनेक्ट होने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि डिस्कनेक्ट से बचने के लिए ग्राहकों को अपने बिलों को अपडेट करने की आवश्यकता है, जो प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह एक घोटाला है, यह नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। स्मार्ट लॉक से ऐसे करें सुरक्षित। अगर आप भी अपने फोन में स्मार्ट लॉक को लगाकर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अपने एंड्रॉइड फोन में स्मार्ट लॉक की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग मेन्यू में जाएं, फिर पासवर्ड और सिक्योरिटी टैब पर जाएं। अब सिस्टम सिक्योरिटी विकल्प पर टैप करें। इसके बाद डिवाइस सिक्योरिटी टैब के तहत स्मार्ट लॉक विकल्प पर टैप करें। यहां अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड दर्ज करें, फिर ऑन बॉडी डिटेक्शन टैब चुनें और ऑन बॉडी डिटेक्शन टॉगल को एक्टिव करें। अब पिछले पेज पर ट्रस्टेड प्लेसेस विकल्प चुने, फिर एड ट्रस्टेड प्लेसेस बटन पर टैप करके आप अपने विश्वसनीय लोकेशन को जोड़ सकते हैं। अब पिछले पेज पर जाएं, ट्रस्टेड डिवाइस विकल्प चुने और डिवाइस जोड़े। इसके बाद आपके स्मार्टफोन में स्मार्ट लॉक की सुविधा शुरू हो जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जीवनाथ मंडल, मोनू कुमार, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, रविंद्र पासवान, अंशु कुमार, अश्विनी कुमार सिंह, पंकज कुमार दास, अजीमा फिरदौस, बाबूलाल मरांडी, उमेश कुमार, नरेश राम, मृत्युंजय कुमार, देवेंद्र प्रसाद यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साल 2022 में आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव कौन सा रहा?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।